हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा थिंक। आपने कॉमन सुना होगा सोचना, थिंक बोलते हैं, लेकिन इसको हम दो तरीके से और बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको यूज करने चाहिए, आपको आने भी चाहिए। जैसे आप बोलते हो थिंक, जैसे मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट हर या हिम, जो भी है। मैंने वहां जाने के बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट गोइंग देयर, इस तरह बता सकते हैं। वही हमारा दूसरा शब्द होता है मल। मल, अब मल ओवर लगा सकते हैं, मल ऑन लगा सकते हैं। मल आपका एक वर्ब भी है, एक्शन है, जैसे मलिंग ओवर, मल्ड ओवर हो सकता है। जैसे जब किसी चीज़ों को विचार आप अपने दिमाग में करते हो कि मैं क्या सोचूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नाउ यू आर मलिंग ओवर द थिंग। कोई चीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन है इतना सीरियस, कुछ सोच के बताते हो ताकि उसके कुछ रिजल्ट पा सको, आप कुछ आइडियाज मिल सकें। आप तो बोल सकते हो आई एम मलिंग ओवर दिस। जैसे बिफोर गिविंग होमवर्क, टीचर हैड टू मल ओवर वॉट टू गिव टू माई स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स को क्या होमवर्क देना, क्या देना है, क्या नहीं देना है, तो उसमें सोचना पड़ा। वेन आई वॉज मेकिंग हर राइट सम क्वेश्चन, आई हैड टू मल ओवर दैट। सोचना पड़ा मुझे, तभी तो मैं उसे बता पाऊंगा, मल ओवर। वहीं आप बोलते हो, नेक्स्ट आपका वर्ड होता है पॉन्डर। पॉन्डर ऑन इट बोल सकती हो, पॉन्डर ओवर वो बोल सकती हो, और सिंपल पॉन्डर भी बोल सकती हो। जब किसी सीरियस इश्यू के बारे में सोचते, जब आप कोई ऐसा इश्यू जो कि बात में सीरियस है, तब बोल सकते हो पॉन्डर ओवर इट। आप किसी व्यक्ति से बोलना चाहते हो, भाई इस बात पे विचार कर, थोड़ा सोच, तेरे करियर का सवाल है, पॉन्डर ओवर योर करियर। कुछ तो सोच भविष्य में क्या होगा, पॉन्डर ओवर। तो सीरियस लेके सीरियस इश्यू का सोचना। द वर्ल्ड इज पॉन्डरिंग ओवर द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ये सोच रहे लोग क्या करना चाहिए इस बारे में, पॉन्डर। यूक्रेन मस्ट पॉन्डर ओवर द पीपल, लोगों को सोचिए क्या, लोगों के साथ क्या करना है, तो पॉन्डर। सो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, थिंक, मल ओवर, पॉन्डर ओवर। इंग्लिश इंग्लिश जनरेट इंग्लिश। थैंक यू।